नमस्कार। आज हम ऐसी समस्या की चर्चा करेंगे जिसके ऊपर बहुत कम बातें होती हैं। ये समस्या महिलाओं के पीरियड से जुड़ी हुई है। मासिक धर्म एक महिलाओं के गर्भाशय की परत का मासिक बहाव है, लेकिन कभी कभी हार्मोन में असंतुलन और हमारी जीवन शैली की गलतियों के कारण कुछ महिलाओं को पीरियड के दौरान विकारों का सामना करना पड़ता है। आज हम ऐसे ही एक विकार को समझने जा रहे हैं जिसे भारी मासिक धर्म, रक्तस्राव या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं। इसके कुछ लक्षण हैं जिनमें मासिक धर्म के दौरान तेज दर्द, मूड में तेजी से बदलाव, ज्यादा खाना, हॉट फ्लश और स्तनों के आसपास लालिमा। ये लक्षण हर महिला में अलग अलग होते हैं और कभी कभी बहुत गंभीर भी हो सकते हैं। ये हैवी ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारा भोजन एक बहुत बड़ा कारण। पीरियड्स के दौरान 5 से 7 दिनों में हमें नियमित आहार में ताजे फलों को शामिल करना बेहद जरूरी है। आप अंगूर, संतरा, सेब, नाशपति, आड़ू, अनानास और खरबूजे जैसे फल खा सकते हैं। दिन में 1 या 2 बार एक बोल फलों का सेवन करें। इस दौरान रोज सवेरे सबसे पहले गुनगुना पानी पिए ताकि आंतों की सफाई होती रहे। कुछ सुपर फूड ऐसे हैं जिनका सेवन मासिक धर्म के समय किया जाता है। पहला है खजूर। खजूर आपके प्रजनन स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। ये आयरन और फाइबर से भरपूर है और आपके शरीर में ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने के लिए बहुत अच्छा है। इसे सुबह घी में डुबोकर खा सकते हैं। एलोवेरा यानी ग्वार पाठा आपके हॉर्मोन्स के इम्बैलेंस को कंट्रोल करने में मदद करता है और इससे हमारे पीरियड्स को नियमित करने में मदद मिलती है। सबसे बेहतर तो ये रहेगा कि आप ताज़ा एलोवेरा के जेल के साथ शहद मिलाएं और इसे हर दिन नाश्ते से पहले लें। तीसरा, हल्दी। हल्दी में कई औषधीय गुण होते हैं और इसका सेवन अनियमित पीरियड के इलाज के लिए किया जा सकता है। सोने से पहले इसे गर्म दूध, शहद और थोड़ी सी काली मिर्ची के साथ जरूर लें। ये पीरियड क्रैम्प को ठीक करने में बहुत फायदेमंद हो सकता है। चाय के रूप में दालचीनी, अदरक, लौंग जैसी चीज़ों का उपयोग किया जा सकता है। बाजरा, दाल, सब्जियां, ताज़ी सब्जियां और डेयरी प्रोडक्ट्स, इनका सेवन बहुत जरूरी। चौथा, सीड साइकिल। आपके पीरियड चक्र के पहले 14 दिन, इसको फॉलिकुलर फेज कहते हैं और अगले 14 दिन को ग्लूटियल फेज कहते हैं। आपके चक्र के पहले से 14 दिन यानी कि मेंस्ट्रुअल टू ओव्यूलेशन तक 1 से 2 बड़े चम्मच पीसी हुई अलसी के बीज, 1 से 2 बड़े चम्मच कद्दू के पीस, इन्हें जरूर लें। आपके चक्र के 15 से 28 दिन तक यानी ओव्यूलेशन टू मेंस्ट्रुएशन तक 1 से 2 बड़े चम्मच पिसे हुए सूरजमुखी के बीज जरूर लें और 1 से 2 चम्मच पिसे हुए तिल जरूर लें। हमारे रक्त में कैल्शियम का स्तर नीचे चला जाता है और इसलिए आयरन युक्त भोजन के अलावा कैल्शियम रिच भोजन लेने के लिए भी कहा जाता है। भारी गतिविधियों और व्यायाम से बचना महत्वपूर्ण है। पांचवा, योग तकनीक। मासिक धर्म को सामान्य करने के लिए योग आसन है। आसनों की लिस्ट समझ लीजिए। पहला, भद्रासन, सुप्त और बैठना। पर्यंकासन, वज्रासन, मत्स्यासन, उदर श्वास यानी श्वास लेते वक्त पेट ऊपर, श्वास छोड़ते वक्त पेट नीचे, जिसे हम प्राणायाम 4 कहते हैं, वो बहुत जरूरी है। और भ्रामरी प्राणायाम भी बहुत लाभदायक है। जब आपको भारी रक्त स्राव होता है तो आराम करना बहुत जरूरी है। कोई ऐसी विधि ना करें जिसकी आपको आदत ना हो और भारी वजन उठाना, ट्रैवलिंग करना वो ना करें। ये आसन भारी रक्तस्राव, मूड स्विंग और मासिक धर्म से संबंधित अनेक समस्याओं को हटाने में मदद करते हैं। भारी रक्तस्राव का कारण कुछ अन्य जटिलताएं भी हो सकती है और इसलिए
विशेष रूप से इस पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए और इसका इलाज भी किया जाना चाहिए। तो हैवी पीरियड को रोकने के लिए और इन समस्याओं से निपटने के लिए ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें, इसे जीवन में अपनाएं और स्वस्थ जीवन जिएं। तो हर महिला को चाहिए कि जब तक मासिक धर्म की ये समस्याएं हैं तब तक उसे ऐसे ही ना ले लें, उसको हटाना ही है ये मन में नक्की करें और स्वस्थ जीवन जीना ही है। हर महीने दुखी होने के लिए हम पैदा नहीं हुए हैं। ये मासिक धर्म, हैवी मासिक धर्म, पेट दुखना, क्रैम्प आना, ये सब चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। इसलिए जो बताया है ये सब करेंगे तो अपने आप ये समस्याएं हट जाएंगी और आप स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। बस अपना ध्यान दें। नमस्कार।